नमस्कार, आप देख रहे हैं पगरपुर की आवाज चैनल। चलते हैं खबरों की तरफ। के तबाही में श्रावस्ती के 5 मजदूर हैं लापता। जी हां, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चमोली में ग्लेशियर टूटने से जो तबाही मची है, उसमें श्रावस्ती जनपद के भी 5 मजदूर लापता हो गए हैं, जिससे श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाने क्षेत्र के अंतर्गत रनियापुर गांव में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि मोतीपुर कला के मजरा रानीपुर के रहने वाले 8 मजदूर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जिसमें से 3 मजदूर किसी तरीके से अपनी जान बचाकर ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ गए, जबकि 5 मजदूर लापता हैं, जिससे पूरे गाँव में हड़कंप मचा हुआ। प्रशासनिक अधिकारी गांव का दौरा कर रहे हैं, जांच पड़ताल की जा रही। उत्तराखंड सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि ये 5 मजदूर आखिर कहां हैं। 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लापता मजदूर का कोई सुराग नहीं लग पाया है। जिले के आला अधिकारी गांव में पीड़ित परिवार का सांत्वना देके पहुंचे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद श्रावस्ती में विकास खंड सिरसिया के ग्राम रनियापुर पोस्ट मोतीपुर के अनुसूचित जनजात यानी थारू बिरादरी के 5 लोग जो अभी इसी 7 तारीख को उत्तराखंड में ग्लेशियर के फटने से जो तबाही मची है, उसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के 5 जो बहुत ही अनुभवी और बहुत ही कुशल काम वहाँ कर रहे थे, उनके लापता होने पर पूरा जनपद शोकाकुल है। हम लोग उनके दुख में शामिल हैं। ग्लेशियर फटने से, ग्लेशियर के गिरने से जो त्रासदी आई है उत्तराखंड में, गांव वाले प्रधान जी द्वारा यहाँ पर बताया गया कि यहाँ के भी कुछ लोग, मोतीपुर कला गांव जो है, कुछ लोग वहाँ कार्यरत थे, जिसमें से 5 लोगों के लापता होने की सूचना अभी तक प्राप्त है और अभी राहत बचाव कार्य जारी है वहाँ पर। अभी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसे ही संपर्क हो पाएगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। क्या कोई आर्थिक सहायता भी दी जा रही है? जो सरकारी मदद होगी, हर संभव मदद होगी, वो इन लोगों को पहुँचाई जाएगी। एकदम सब कितने गांव के लोग थे वहाँ पर, कोई पता चला? कुछ लोगों को पता चला है, कितने लोग थे? अभी जो सूचना मिल रही है, जिसमें से 3 लोगों से संपर्क हो पा रहा है, और अभी प्रधान जी ने बताया कि 4 से 5 लोग से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर, 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, क्या उत्तराखंड सरकार की तरफ से, वहाँ के प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ कोई सूचना दी गई है? जी, प्रधान जी ने जो बताया कि इनके परिवारजनों को सूचना दी गई है। क्या जिले के और कुछ आदमी हैं जो आइडेंटिफाई हो पाए हैं उत्तराखंड में? अभी तक इसी ग्राम के लोग कार्यरत थे वहाँ पर, जो त्रासदी हुई है। आगे जैसे भी होगा आपको लोगों को सूचित किया जाएगा। खास मेरा पार्टी का नाम, मेरा नाम सुशील राणा। क्या हुआ, कहाँ गए थे वो? मेरा पार्टी मजदूरी करने उत्तराखंड गए थे, वहाँ से लापता हो गए। अरे मामला तो मजदूरी करे गए हैं उत्तराखंड, 8 आदमी वहाँ से, 5 तो गायब हो गए हैं, 3 तो आवा थे फोन। अधिकारी आए थे यहाँ क्या करने के लिए? आए थे पूछताछ के लिए। हाँ, पूछताछ के लिए आए थे। कुछ बताया अधिकारी? आप लोग पूछे नहीं अधिकारी से? पूछे तो पूछा गया, क्या बताएं। सब्सक्राइब करें फखरपुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।